देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। अब कुछ ही समय बचा है, बस कृष्ण लल्ला के दर्शन होने वाले हैं। जी हां, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है आज, और मंदिरों में श्री कृष्ण का जन्म कराया जाएगा। भव्य पूजा आरती होगी। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे झांकियां सजाई गई हैं, भव्य झांकियां सजाई गई हैं। जहां कहीं श्री कृष्ण को जेल के अंदर जन्म लेते हुए दिखाया गया है, तो कहीं नंद बाबा को मथुरा से वृंदावन ले जाते हुए दिखाया जा रहा है सिर पर टोकरी में श्री कृष्ण लला को। तो अलग अलग जगह अलग अलग झांकियां देखने को मिल रही हैं, और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और आज जन्माष्टमी के पावर अवसर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सभी जगह अलग अलग तरह से जन्माष्टमी मनाई जाती है, और आज जो पावन पर्व है, इस अवसर पर मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। गोरखपुर में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? योगी के गढ़ में बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और आपको बता दें शिखा, की पूरी तरह से हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं, आपको दिखाएंगे कई दौरों के और यहाँ पे बात के अलावा जनता की भारी भीड़ लगी हुई है। और आप लोग अब दर्शकों को मैं साफ समय का साउंडिंग से देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी आगाम से हैं, और पूरी तरह से यहाँ पे भगवान जी। हिमांशु, भक्तों में काफी हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। सुबह से ही नहीं बल्कि कई दिनों से तैयारी देखने को मिली, बाजार भी सजे मिले। अगर बात करी जाए झांकी की, तो झांकी कैसी है? हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को झांकी भी दिखाएं, किस तरह से सजाया गया है आज मंदिरों को। किस तरह की झांकी बनी है, काफी भीड़ लगी होती है। आइए आपको ये पुलिस लाइन की झांकी है, पूरी तरह से इसको पुलिस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है, और पुलिस विभाग इसके लिए और चाक चौबंद व्यवस्था के रखता है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे आते हैं, और पुलिस विभाग पूरी तरह से लगा रहता है। और सीधा बता दें कि पुलिस विभाग जो है पूरी तरह से इस पे चाक चौबंद व्यवस्था रखता है, और आप पूरी तरह से इसको देख सकती है। यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, औरतें सभी यहाँ पे हैं, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे पूरी तरह से। और अंदर आप देख सकते हैं कि पुजारी जो है वो आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जन्म उत्सव मनाने हैं, किसी का जन्म होना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रंगोली बनाई गई है, पेंटिंग बनाई गई है कृष्ण की,
और शिल्प जी की पेंटिंग के साथ जो है उनका चूहा जो है देख सकते हैं मीडिया का दर्शन कैसे होता है प्रशासन से मौजूद है और तेल तो हम देख सकते हैं किसी कहीं छाट रहे हैं तो कहीं माखन चोरी कर रहे हैं तो हर तरफ आप देख सकते हैं की पूरी तरह से यहाँ पे छाती जो है लगी हुई है और लोग यहाँ पे एकदम पूरी तरह से भीड़ एकदम खत्म है लोग यहाँ पे आए हुए हैं और पूरी तरह से भक्तिमय माहौल है। सीखा जी बिल्कुल भव्य नजारा हम भी देख सकते हैं किस तरह से यमुना बनाई गई है लोगों की भीड़ भी है। हम चाहेंगे हिमांशु आप लोगों से बात करें घर पे उन्होंने कैसे पूजा करी क्या उन्होंने अपने घर के बच्चों को बाल गोपाल बनाया है क्या। जी बिल्कुल आपको सीखा यहाँ दिखाए हैं राधिका बनी हुई है और इसके साथ बच्चियाँ जो है बच्ची बनी हुई है उसके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं और ये देख सकते हैं आप अभी ये बच्ची का और इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जो पूरी तरह से खुशी गए और राधा के रूप में आए हुए हैं और इस बच्ची में जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृष्ण जन्मोत्सव तो यूं ही चलता रहेगा आप भी बने रहिए मंदिर में और वहां की तस्वीरें हमारे साथ साझा करते रहिए। तो हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़े थे तो उन्होंने हमें पुलिस लाइन से भव्य तस्वीरें दिखाई किस तरह से भव्य नजारा देखने को मिला पूरी झांकी सजाई गई है कृष्ण जन्म उत्सव के अवसर पर यमुना जी का सुंदर रूप दिखाया गया श्री कृष्ण के अलग अलग रूप देखने को मिले हैं झांकी इतनी भव्य सजी है कि भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है भक्त पहुंचे हुए हैं मौजूद हैं मंदिरों में और अब श्री कृष्ण के अलग अलग रूप अलग अलग झांकी को देखने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। और अब हम रुख करेंगे अंबेडकर नगर का जहां से हमारे साथ संवाददाता राहुल पांडे जुड़ चुके हैं। राहुल अंबेडकर नगर में कैसी झांकी देखने को मिल रही है हम चाहेंगे दर्शकों को दिखाएं उसके बारे में भी बताएं। राहुल आप मुझे सुन पा रहे हैं राहुल हम आपको रोकना चाहेंगे आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है काफी तेज आवाज है जिसकी वजह से हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। तो झांकी हम देख सकते हैं अलग अलग जगह क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से कई बोली है कई भाषाएं हैं और वैसे ही हम तस्वीरें भी देख रहे हैं अलग अलग जगह कृष्ण उत्सव की धूम है सब अलग अलग तरह से कृष्ण उत्सव मना रहे हैं अलग अलग तरह से श्री कृष्ण के झांकियों को प्रदर्शित किया गया है कहीं रास लीला तो कहीं कृष्ण लीला अलग अलग लीलाओं का प्रदर्शन किया गया है कहीं कृष्ण का जन्म उत्सव दिखाया जा रहा है तो कहीं कृष्ण की भक्ति में मीरा को डूबा हुआ दिखाया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की उपासना में मीरा को दिखाया गया है मीरा श्री कृष्ण की उपासना करती हुई नजर आ रही हैं भक्तगण हैं जो श्री कृष्ण की उपासना करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक जिले में हर एक जनपद में हर एक थोड़ी थोड़ी सी दूरी की भी अगर बात करें तो सब जगह अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है सभी भक्ति में आज लीन नजर आ रहे हैं श्री कृष्ण की अपने आराध्य को खुश करने के लिए आज उनका जन्म उत्सव है। किसी के घर में अगर कोई बच्चा होता है तो उसका उत्सव भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है तो वहीं अगर लोगों की बात करें उनकी आस्था की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण को कोई सुबह शाम माखन मिश्री का भोग लगाता है कोई तो कोई उनको खाना भी परोसता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मनमोहक तस्वीरें हैं जिसमें श्री कृष्ण रास लीला करते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि श्री कृष्ण से कितना प्रेम है लोगों को सिर्फ देशी नहीं दुनिया में भी श्री कृष्ण की लीलाओं की वजह से ही उनको इतना माना जाना जाता है। उनके अंदर जो गुण थे हर एक कला थी उसके लोग दीवाने हैं किसी को भी मोहित कर लेते हैं और झांकियों में आप देख सकते हैं कितना भव्य नजारा देखने को मिल रहा है जहाँ कहीं राधा लिखा है तो कहीं कृष्ण लिखा है हर कोई कृष्ण को चाहता है और कृष्ण की ये चाह ही है जो लोग उनके जन्म उत्सव को इतनी भव्यता के साथ मनाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत का नजारा दिखाया जा रहा है जो झांकी है उसमें गोवर्धन पर्वत आप देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाया था लोगों को वर्षा से बचाने के लिए और उनकी इस लीला को प्रदर्शन भी किया गया है झांकी आप देख सकते हैं कितनी मनमोहक झांकियां हैं आज तरह तरह की झांकियां अलग अलग मंदिरों को सजाया गया है और मंदिरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लोग
दर्शन करने दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी लोग भारत घूमने आते हैं। और मथुरा वृंदावन का तो क्या ही कहना, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई है, दर्शन के अभिलाषी लोग सुबह से कतारों में लगे हुए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी पूरी लीलाएं इन चित्रों में दर्शाई गई हैं। अलग अलग मंदिर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं और उनके जिले में किस तरह से मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी, किस तरह का उत्सव, किस तरह की धूम देखने को मिल रही है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी तो सभी जानते हैं, स्वर्ग से साथ रहे लेकिन धरती पे आके बिछड़ गए। पूरे जीवन उन दोनों ने प्रेम किया लेकिन शादी के बंधन में ना बंधे। आज हर एक लीला को याद कर रहे हैं लोग। और अब हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन जी, आज जिस तरह से सभी लोग श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, उनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, कहीं पे श्री कृष्ण के नाम की माला जपी जा रही है तो कहीं भव्य झांकियां देखने को मिल रही है। बात करें जिले की तो वहां पे क्या देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाती है, ऐसे में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर तरह तरह की चीजें सजाई गई हैं, झांकियां सजाई गई हैं। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में केंद्रीय कारागार है और कारागार जो है भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही गहरा नाता कहा जाता है। अगर बात की जाए केंद्रीय कारागार की तो केंद्रीय कारागार पर पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहां पर तरह तरह की झांकियां लगाई गई हैं। और अगर इस समय की बात की जाए तो इस समय प्रयागराज के जो सबसे प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर है, राधे कृष्ण का मंदिर है, यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ की बात की जाए तो हजारों की संख्या में लोग अभी आ रहे हैं। चूंकि अभी जो समय है 12 बजे का, 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उस समय जो लोगों की भीड़ होगी उस पर कुछ भी अभी कहना मुश्किल होगा। और अब ये देखिए, ये तस्वीरें हैं यहाँ पे, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे मंदिर में लोग किस तरीके से आ रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो भगवान श्री कृष्ण का रूप धर के आ रहे हैं। और यहाँ पर यह जो श्री राधा कृष्ण का वेणी माधव मंदिर है, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज संगम नगरी प्रयागराज में पूरी तरह से जो तस्वीरें हैं वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग, और तस्वीरें निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने की नजर आ रही है। तो हम यहाँ पे बातचीत भी करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे और लोग भी हैं तो प्राइम टीवी पे हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत 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 भव्य श्रृंगार, भव्य तैयारी देख करके एकदम मन प्रसन्न हो गया। बच्चे को आप यहाँ इतना तैयार करके लाई हैं? हाँ बिल्कुल, आज उनका दिन है, राधा जी बना करके लेके आए, बहुत खुशी हो रही है। यहाँ लेकर के आकर के यहाँ पर सबको घुमाया हम लोगों ने, बहुत जगह यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत तरीके से तैयारियां हो रही हैं, हम लोग बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। बिल्कुल शिखा, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि यहाँ पे किस तरीके से भक्तों की, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनकी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे तमाम तरह के लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर आए हैं, और यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है वो बहुत अच्छी खासी है। और भी लोग हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे मैम आप यहाँ पे आई हैं, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अभी इनका जन्म होने में 2 घंटे का लगभग समय है और अभी से आप लोग मंदिर में है, कैसा आप लोग कितना देर वेट करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां हैं आप लोग की पूजा की? बताओ, अभी और जगह घूमने जा रहे हैं, अभी और जगह घूमने जा रहे हैं। देखिए शिखा, ये तस्वीरें हैं संगम नगरी प्रयागराज की, और यहाँ पे जिस तरीके से जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो लगातार राधे कृष्ण के मंदिर में आ रहे हैं, और जब जैसे ही 12 बजेगा पूरा संगम नगरी प्रयागराज भगवान श्री कृष्ण के जयकारे से गूंज उठेगा। जी शिखा, पवन अगर बात करें छोटे बच्चों से तो क्या वो अपने जन्मोत्सव पे जितना उत्साहित होते हैं, क्या वो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय भी उतने ही उत्साहित है? उनको कृष्ण बनाया गया है, छोटी बच्चियों को राधा बनाया गया है। हम चाहेंगे कि आप कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करिए कि वो कितने उत्साहित है श्री कृष्ण के जन्मदिन पर। बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं, निश्चित रूप से अगर हम बात करें पूरे प्रयागराज की तो जो छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से वो भगवान श्री कृष्ण या राधा का यहाँ पे रूप धर के आए हैं, तो अगर उनके खुद के जन्मदिन की बात की जाए तो शायद वो इतना उत्साहित नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा सा बच्चा है जो इस तरीके से, बेटा क्या नाम है आपका? बता दो आराध्या के, बता दो
देखिए यहाँ बच्चे हैं, चूंकि बच्चे इस तरीके से घूम रहे हैं। देखिए बहुत छोटा सा बच्चा है, ये तस्वीर है, ये देखिए शिखा, ये तस्वीर है प्राइम टीवी पर, बहुत खास तस्वीर है। छोटा सा बच्चा है जो पूरी दिन दुनिया से बेखबर है, लेकिन आज मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का रूप धर के आया हुआ है। तो निश्चित रूप से ये तस्वीर है, ये प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए बहुत ही खास और बेहद ही खास तस्वीरें हैं। और ये संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें हैं। तो शिखा, आज पूरी तरीके से संगम नगरी प्रयागराज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर उत्साहित है और तस्वीरें पूरी तरीके से भक्तिमय दिख रही है। जी शिखा जी, पवन जी, जिस तरह से आज श्री कृष्ण के उत्सव को सभी मना रहे हैं, कौन कौन से मुख्य मंदिर है प्रयागराज में जहाँ पे भक्तों की भीड़ है, काफी भव्य तरीके से सजाया है, झांकियां लगाई गई हैं, लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शिखा ये तस्वीर है, एक बार मैं चाहूंगा कि प्राइम टीवी के दर्शक देखें, ये देखिए ये श्री श्री राधा बेड़ी माधव मंदिर है, जिसको इस्कान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यह भगवान श्री कृष्ण और राधा का मंदिर कहा जाता है और यह प्रयागराज का सबसे प्रमुख मंदिर है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति रखी गई है। और ये जो मूर्ति है यहाँ पे, इसकी भी एक खास चीज है जो मैं प्राइम टीवी के दर्शकों को बताऊंगा कि आज यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, उनको लगभग 1,25,000 रुपए का उनका जो वस्त्र है उसको बनवाया गया है। और ये मथुरा से आया है और यहाँ पे लगभग हर साल जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है तो यहाँ पे उनको बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जाता है। और आज भी भगवान श्री कृष्ण को इस्कान मंदिर में लगभग 1,25,000 रुपए के वस्त्र से सजाया गया है। जी शिखा जी बिल्कुल, पवन आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अलग अलग मंदिरों की तस्वीर भी हमसे साझा करते रहिए, हम जुड़ेंगे आपके साथ फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता पवन पटेल जुड़े थे। तो हम तस्वीरें आपको अलग अलग जिले की दिखा रहे हैं जहाँ पे हमारे संवाददाता मौजूद है, लोगों से बात भी करी जा रही है, किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग, क्योंकि हर कोई अपने जन्मदिन के दिन तो काफी खुश होता ही है, लेकिन जो खुशी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिवस के अवसर पर होती है, वो शायद किसी दिन नहीं होती होगी। और अब हमारे साथ मऊ से संवाददाता कमलेश जुड़ चुके हैं, तो मऊ के बारे में भी जान लेते हैं। मऊ में कैसी सजावट देखने को मिल रही है और कितनी भीड़ भक्तों की लगी है मंदिर में दर्शन के लिए? कमलेश, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये शिखा जी, आपको बता दें कि 2 साल बाद कोरोना के बाद आज जो अष्टपुरा में बहुत भव्य का मंदिर बनाया गया, जिसमें भक्तों द्वारा बहुत काफी यहाँ भीड़ भी लगी हुई है। आपको बता दें, वही जो है शिखा जी की आए दिन, जब 2 साल बाद कोरोना के बाद आने के बाद, आज जो एक बच्चा है नन्ना था, ये देखा है कितना प्यारा था और कृष्ण जी का वो रूप बनाया गया है। तो जी, काफी छोटा बच्चा है लेकिन ये श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देते हुए लोगों को मोहित भी कर रहा है। हम चाहेंगे पुजारी जी से बात करें और उनसे कृष्ण लीलाओं के बारे में जाने, साथ ही पूजा का क्या विधि विधान है, कितने बजे जन्म किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, इस बारे में भी जाने। कमलेश जी, आपको हम बताते हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? देखिए, ये जो है हमारे साथ छत्तीरा जुड़े हुए हैं, ये यहाँ के दर्शक हैं और यहाँ के एक तरह से माना जाए तो पुजारी भी रूप में भी यहाँ उपस्थित है। ये इनके बारे में पूरा कृष्ण लीला के बारे में इनसे हम समझते हैं और जानकारियां लेते हैं क्या है। और 2 साल बाद कोरोना काल के बाद आज अष्टपुरा में मूर्ति रखी गई है और कैसा लग रहा है? 2 साल हमने बहुत हल्के फुल्के में झांकी रखी और जैसी सरकार की गाइडलाइन थी, और अब 2 साल के बाद हम लोग बहुत उत्साह से और अच्छे से धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। और हम लोग इस समय अष्टपुरा में मऊ जिले में अष्टपुरा में डी बाबा के स्थान पे हैं, जो कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है, और हम लोग बहुत ही उत्साह से यहाँ पे मना रहे हैं। जी शिखा जी, आपको बता दें कि हमारे साथ एक राष्ट्रीय पत्रकार भारत संघ के जिला अध्यक्ष भी जुड़े चुके हैं, इनसे भी थोड़ा जानते हैं कि इनके भी राधा कृष्ण के बारे में क्या मानसिकता है, आज किस तरह का क्या है? पहले तो एक बार बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान के। आपको बता दें कि हमारा एक धर्म जो है हिंदू धर्म कितना अच्छा धर्म है, और उसके साथ हम तमाम देवी देवताओं का जन्मोत्सव और तमाम त्योहार मनाते हैं। उसी क्रम में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जन्म का आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और ये उत्सव हम लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं। और आज के दिन काफी हर्षोल्लास, आज 12 बजे का इंतजार हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और 12 बजे ठीक भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। और जन्म तो हम लोग किस तरह का उनका लीलाएं क्या थी उनकी? भगवान कृष्ण की लीला तो अपरंपार है, सभी जानते हैं कि भगवान
भगवान तो अदिव्य और अदम्य है और उनकी लीला को इस धरती पे कौन नहीं जानता है, इस दुनिया में कौन नहीं जानता है उनकी लीला को, सभी लोग जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो ऐसी घड़ी में उनका जन्म हुआ था कि जब उनके उनकी माता और पिता दोनों ही जेल में बंद थे और ऐसा अद्भुत जन्म, जब उनका जन्म हुआ तो माता और पिता को बेड़ियों में जकड़ा गया था और वो बेड़िया टूट गई। अब बेड़िया टूटने के बाद वो जो जेल के फाटक थे वो सारे फाटक खुल गए और आपको मैं बता दूं कि वो फाटक टूटने के बाद वो श्री कृष्ण जी को एक सूप में, जो जिसे हमारी माताएं बहने जो है जिससे चावल फटकती हैं, उस सूप में लेकर और यमुना नदी उस समय भादों का महीना है, आपको बता दूं कि भादों के महीने में बारिश काफी होती है और नदियां जो है उफान पे होती हैं और उस समय वो नदी इतनी उफान पे थी यमुना नदी, और यमुना नदी को पार करके और वासुदेव जी उनके यहाँ माता यशोदा के यहाँ ले जाके अपने जी। कमलेश, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मंदिर में कितने तरह के भोग का प्रबंध किया गया है। मैडम शिखा जी बता दें कि यहाँ बहुत प्रकार के भोज का प्रसाद लगाया गया है और एक हमारे साथ महिला भी जुड़ी है जो राधा कृष्ण के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? उषा शर्मा नाम। आज कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? दो साल बाद कोरोना काल के बाद लग रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है? कैसा उनका अपरंपार लीला था? बहुत अच्छा। उनका लीला कैसा था कृष्ण जी का? उनका किस अच्छा लीला था? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए और हमको इतनी भव्य सुंदर दर्शन कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण के। हमारे साथ मऊ से कमलेश जुड़े थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भव्य दर्शन करवाए, श्याम वरण के दर्शन करवाए और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जिले के संवाददाताओं से हम बात भी कर रहे हैं और उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि वो हमें दर्शन करवाएं अलग अलग जिले के मंदिरों के। आज सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की भव्य झांकियों को लगाया गया है। और अब हम रुख करते गाजियाबाद की तरफ और जुड़ते संवाददाता प्रवीण से। प्रवीण, गाजियाबाद में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर? एक बड़ा त्योहार है सनातन धर्म का, तो प्रवीण आज जिस तरह से ये तैयारियां देखने को मिल रही है, झांकियां देखने को मिल रही हैं, कैसा माहौल दिख रहा है गाजियाबाद में? जी बिल्कुल, देखिए बता सकता हूँ, तमाम गाजियाबाद के एक मंदिर में मौजूद है जहाँ पर भक्तों का चाचा जब सुबह से ही व्रत रखा हुआ है खासतौर पे, और यहाँ पर देखिए शाम होते ही भक्तों का चाचा लगातार यहाँ से लाइनों पे सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं श्री कृष्ण जी के दर्शन एकमात्र पाने के लिए। यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरा ये मंदिर सजाया गया है, ये कतार है, यहाँ पर कतार में आप देख सकते हैं सभी देवी देवताओं की तस्वीरें यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का एक जो पालकी है कह सकते हैं झूलाने के लिए वो सजाई गई है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी को सिर्फ खाली थोड़ी देर में यहाँ पर उनका जन्म होना है, उसको लेकर काफी उत्साह है लोगों के अंदर में। और ये भगवान श्री कृष्ण देखिए किस तरह से लोग मात्र एक दर्शन मात्र पाने के लिए लगातार भीड़ उमड़ रही है लोगों की और लोग कतारों में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सभी लोग कतार में हैं और लगातार अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तस्वीरें बहुत भव्य तरीके सजाई गई, क्योंकि यहाँ और भी देवी देवताओं की तस्वीरें हैं जो मंदिरों में देख सकते हैं किस तरह से। ये श्री राम जी की तस्वीरें, नीचे ही हनुमान जी की तस्वीरें, तो जिस तरह से मंदिर काफी भव्य तरीके से सजाया गया है, कहीं ना कहीं भक्तों का जो ताता है लगातार यहाँ पर आता दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो कोविड की जिस तरह से यहाँ पर एक पसार रही थी, तो कहीं ना कहीं उसको भी मद्देनजर देखते हुए लोगों के अंदर इस समय आस्था और खास तौर पे यहाँ पर एक भगवान श्री कृष्ण के मात्र एक दर्शन पाने के लिए यहाँ भीड़ उमड़ रही। जी जी बिल्कुल प्रवीण, आपने इतने भव्य दर्शन करवाए हैं कृष्ण जी के और उनको झूले में बैठा के दिखाया गया है किस तरह से उनको झूला झुलाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए हैं आपने। हम चाहेंगे कि आप जनता से भी बात करें, इतना भव्य सुंदर नजारा देखकर उनको कैसी अनुभूति हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ भक्त लोग आए हैं जिनसे हम बात भी करना चाहेंगे, कुछ महिलाएं हैं जो कि सुबह से ही इन्होंने व्रत रखा हुआ है, श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद ही ये लोग व्रत खोलेंगी। हमारे साथ एक महिला है, मुझसे पूछेंगे कृष्ण जी का यहाँ पर जन्म आया, कितने वक्त आया
बहुत ज्यादा उत्साह है। मतलब बस 12 बजे का वेट हो रहा है, जल्दी जल्दी 12 बजे और हम अच्छे से और सेलिब्रेट करें बर्थडे। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए एक छोटी सी बच्ची आज किस तरह से निके साथ समर कर आई हुई है भगवान श्री कृष्ण जी के मात्र दर्शन मात्र के लिए, क्योंकि इस छोटी सी बच्ची के अंदर में ही श्री कृष्ण जी के दर्शन मात्र होने के आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, यहाँ के जो मंदिर के संचालक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं रखी गई हैं। सर यहाँ पर मंदिर प्रशासन में किस तरह से व्यवस्थाएं रखी गई है? मंदिर प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्था रखी है, पब्लिक का ख्याल रखा गया, किसी को परेशानी ना हो, प्रसाद लेने में परेशानी ना हो, हर तरीके की सुख सुविधाएं हैं, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है, प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है, पब्लिक पूरा सहयोग दे रही है। जैसा कि आप मात्र काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 12 बजने का इंतजार कर रहे लोग, किसी ना किसी तरीके हर आदमी चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हो पाए और साथ ही साथ उनको एक बार झुला लिया जाए, तो कहीं ना कितना उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोविड का भी समय चल रहा है, कोविड फिर से दोबारा पैर पसार रहा है, तो कितनी खुशी दिख रही है लोगों के अंदर? इतना उत्साह है कि इसको आप बयान नहीं कर सकते, इसे अधिक खुशी हो ही नहीं सकती। देखिए यहाँ पर पुजारी भी हैं, लगातार तिलक लगा रहे हैं, जो कि यहाँ पर भक्त आए हैं उनको तिलक लगा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको भी तिलक लगा रहे हैं। पंडित जी कितना जबरदस्त भीड़ चल रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। कह सकते हैं कि पंडितों जो यहाँ पर पुजारी हैं उनको भी खासतौर पे काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि भक्त जो पुराने जो कोविड के समय पर यहाँ नहीं आ पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप सबका आना जा रहा लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं लोग एहतियातन भी बरत रहे हैं। कुछ लोग देखिए मास्क भी लगा कर आए हैं यहाँ पर, मास्क की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि कुछ परिवार है जो कि मास्क लगा कर आए। कोविड भी तुम्हारे से चालू हो चुका है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? मास्क लगाते हैं, कोशिश करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग हो और भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचें, यही सब प्रिकॉशन जो सोशल कर सकते हैं वो करते हैं, बट देयर आर सर्टेन अनअवॉइडेबल कंडीशन, तो वहां पे मास्क लगा के जाते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी को साथ में दर्शन भी करने हैं और साथ ही साथ कोविड नियमों का पालन भी करना है, साफ तौर पे लोग मास्क का प्रयोग भी कर रहे हैं, लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के मात्र एक दर्शन पाने के लिए लोग बेचैन हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए और भगवान श्री कृष्ण के इतने भव्य दर्शन कराने के लिए। हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता जुड़े थे जिन्होंने मंदिर में श्री कृष्ण के इतने सुंदर दर्शन कराए, श्री कृष्ण पालने में थे और उनको झूला झुलाने के लिए लोग लंबी कतारों में लगे हुए भी नजर आए, छोटे छोटे बच्चे भी कृष्ण राधा के रूप में नजर आए, तो हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब हम रुक करेंगे कानपुर का, जहां से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कानपुर की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि कानपुर में भव्य तरीके से मनाया जाता है, यूं तो पूरे देश दुनिया में भव्य तरीके से मनाया जाता है जन्माष्टमी का पर्व, लेकिन कानपुर की तस्वीरें भी हम देखना चाहेंगे। उपेंद्र आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, तो जिस तरह से आज भव्य जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग कोने से भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं, मथुरा वृंदावन में भी भक्तों की कतार लगी है, तो वहीं आसपास के मंदिरों में भी लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भगवान कृष्ण की झांकियां सजाई गई हैं और भगवान कृष्ण के रूप में नृत्य करा जा रहा है, नृत्य की पेशकश करते हुए भी कलाकार नजर आ रहे हैं। अलग अलग मंदिरों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हर जिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि हर जिले में भगवान श्री कृष्ण का अलग ही रूप दिखाया गया है, अलग ही ढंग से सजाया गया है और भव्य बनाने की पूरी कोशिश है भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव को। अलग अलग तरीके की रूप देखने को मिल रहे हैं, भगवान के मंदिरों को सजाया गया है भव्य तरीके से, पूरे देश दुनिया में धूम है आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की। हो भी क्यों ना, जब एक इंसान का जन्मोत्सव होता है, जन्मदिन होता है, तो कितना ही उसको खास बनाने की कोशिश करी जाती है, फिर तो ये दुनिया के पालनहार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव को भव्य बनाने की पूरी तैयारी में हर एक व्यक्ति लगा हुआ है।
मंदिरों में भव्यता देखने को मिल रही है, जहां अलग अलग जिलों के हर एक मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव काफी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और तस्वीरों में देख सकते हैं मंदिरों की सजावट, मंदिरों में भव्य झांकियां भी लगाई गई हैं, जिसको देखने के लिए लोग अपने घरों में पूजा करने के साथ ही मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं। भगवान का जो श्याम वर्ण है, उनका जो स्वरूप है, भव्य स्वरूप, उसको देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने बच्चों में भी बाल गोपाल की छवि ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं वो उनको भी बाल कृष्ण के रूप में सजा देते हैं। हम देखते हैं किस तरह से वो भगवान श्री कृष्ण की छवि अपने बच्चों में देखने की कोशिश करते हैं। और अब हमारे साथ कानपुर से संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अगर बात करी जाए कानपुर की, तो कानपुर में कैसा माहौल है? लोगों में भक्ति की कोई कमी नहीं दिख रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो क्या बयां कर रही हैं? अगर देखा जाए तो कानपुर में तो शिव मंदिर में खड़े सनातन मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर को देखा जाए कहीं ना तो तिरंगा जो माननीय प्रधानमंत्री की अपील थी कि लोग घर में तिरंगा लगाए, और आज यहाँ की झांकी में जो है महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह और शहीदों के फोटो, उसके बाद जैसा की जो कहने का तिरंगा यहाँ के और झांकी को आकर्षण करने के लिए जो यहाँ के मंदिर जो कमंडा का उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, और लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और जैसा कि चैनल प्रसाद कहना चाहेंगे कि दिखाए कि पूरी जो बाजार में है किस तरीके से भीड़ लगी, किस तरीके से पूरा मेला है, और उसका देखा जाए कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात कर जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। उसके बाद यहाँ पे जो कानपुर कमिश्नर है बीपी गोंडल, उसके और उन्होंने उनके बाद देखा जाए तो सीओ के नजीराबाद, उसके बाद देखा कहीं ना कहीं जो भीड़ है पूरी तरीके से बाजारों में नजर आ रही है, और इसमें देखा है तो जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनका जो आकर्षण है अलग अलग वेशभूषण तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो है वो टाइम के ड्रेस में यहाँ पे आए हुए हैं। और इसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ी जब भी यहाँ पर ये नजर आ रही है कि जो हर घर तिरंगा को लेकर के जो रैली को बनाया गया, उस रैली को बहुत भव्य बनाया गया, झांकी को अच्छा बनाया गया है, उसको देखने के लिए खासा उत्साह नजर आ रहा है। जी, जिस तरह भीड़ देखने को मिल रही है, और भगवान के अगर जन्मोत्सव की बात करी जाए तो रात 12 बजे उनका जन्म कराया जाएगा, तब तक मंदिरों में भीड़ तो देखने को मिलेगी ही। लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे क्या बता रहे हैं? जी, अगर देखा जाए तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सनातन धर्म की अगर बात की जाए तो जो हिंदू समाज है वो तो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो चाहे कोई भगवान हो, सच्ची भक्ति में लीन रहते हैं। और जो आज तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और उस जन्म के बाद देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्साह तो है काफी लोगों के बीच में, और लोग यहाँ पे जो है पूरी तरीके से बाजार मार्केट सब हर तरीके से जो है कर रहे हैं, और लोगों का इंतजार है कि 12 बजे और भगवान श्री कृष्ण का जन्म। जी बिल्कुल उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें भव्यता के बारे में इतना बताने के लिए। और जिस तरह से अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान के सांवले जो स्वर्ण रूप है उनका, उसको देखने के लिए मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी, और बच्चों में ये छवि साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बच्चों को तैयार किया गया है पीले वस्त्र पहना के, मोर मुकुट लगा के, बांसुरी सजा के, और कृष्ण का जो रूप है उनके हाथ में जिस तरह से बांसुरी रहती है, कानों में कुंडल रहता है, गले में वैजंती माला रहती है, बच्चों को इसी तरह से सजाए हुए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण के। अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं श्री कृष्ण, कहीं श्याम वर्ण है तो कहीं झूले पे नजर आ रहे हैं श्री कृष्ण, कहीं झांकियां सजी हैं रासलीला की तो कहीं झांकियां सजी हैं मीरा की, भक्ति की। हर जगह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राधा कृष्ण की प्रेम की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन आदर्शों को बयां करती हैं जो श्री कृष्ण के उन संदेशों से मिलते हैं। श्री कृष्ण एक अलग ही संदेश देते नजर आए हैं, जहां उन्होंने अत्याचार करना भी अपराध बताया है, अत्याचार सहना भी अपराध बताया है। उन्होंने हमेशा धर्म पे चलने की राह दिखाई है। श्री कृष्ण जिन्होंने प्रेम की रास रचाई है, सबक सिखाया है, उन्होंने एक अलग ही संदेश दिया है दुनिया को। गीता का सार श्री कृष्ण ने दिया है, और उसमें कई अध्याय ऐसे हैं जिसमें उन्होंने हर एक कठिन परिस्थिति से निकलने का तरीका भी बताया है। श्री कृष्ण बचपन से ही लीलाएं करते आए हैं, इसीलिए उनको लीलाधर भी कहा जाता है, मुरली बजाते थे, मुरलीधर कहा जाता है। श्री कृष्ण के कई स्वरूप है, उनको माखन चोर भी कहा जाता है, उनको नटवर लाल भी कहा जाता है। हर
एक कला में पारंगत थे श्री कृष्ण और उनकी जो शिक्षाएं थी वो आज भी देखने को मिलती है समाज में। जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को अपनाने की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, घृणा और द्वेष को दूर करने की जरूरत है। श्री कृष्ण ने कई संदेश दिए हैं और आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव के अवसर पर श्री कृष्ण को सब याद कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन है, राधे राधे का नाम जप रहे हैं, राधे कृष्णा की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है, राधे राधे बोल के श्री कृष्ण को मना रहे हैं, माखन मिश्री का भोग लगा के श्री कृष्ण को मना रहे हैं। आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, इसे भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। श्री कृष्ण की अष्टमी आई है, गोकुल में बजी बधाई है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो तब सब सो रहे थे, अंधियारी रात थी, घोर बारिश थी, मेघ गरज रहे थे और बंदियों से जेल से निकल के बंदियां मुक्त होकर जिस तरह से नंद बाबा श्री कृष्ण को गोकुल छोड़कर आए थे, आज सब उसी पल को कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। और अब हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता आफताब आलम जुड़ चुके हैं। वाराणसी धर्म की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आफताब? जी आपको बता दें कि देखिए धर्म की नगरी काशी जहां शिव की नगरी कहा जाता है, लेकिन आज शिव की नगरी जो है वो पूरी तरीके से कृष्णमय हो गई है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं कैमरे में दिखाऊंगा, साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आकर के विश्राम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। जैसे ही 12 बजे यानी 11:30 बजे से आरती शुरू होगी, उसके बाद 12 बजे जैसे कृष्ण का जन्म होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उसके बाद दूध से दही से और जल से जलाभिषेक होगा और यहाँ पर काफी दूर से लोग आए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। से यहाँ लोगों का दर्शन करने का लोगों का तांता लगा हुआ है, हजारों की संख्या में लोग आकर के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे लोगों की भीड़ होती जा रही है। लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि 2 साल के बाद आपको बता दें कि कोरोना कोविड की वजह से काफी समय के बाद जो ये कृष्ण जन्माष्टमी आई है, लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों ने नन्हे मुन्हे बच्चों को भी राधा कृष्ण बनाया है, हम चाहेंगे कि आप उनकी तस्वीरें भी दिखाएं और लोगों से बात भी करें। जी आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर अभी बच्चे को भी लेकर के लोग आए हुए हैं, हम अभी चलते हैं उनके पास कि देखिए लोग यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बना कर लाए हैं और लोगों से भी बात करेंगे हम। जुड़ने के लिए और वाराणसी के बारे में बताने के लिए हर जगह है, श्री कृष्ण की अलग अलग झांकियां देखने को मिल रही हैं और सभी जिलों में अलग अलग तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन सबका मकसद एक ही है, भले ही तरीका अलग हो लेकिन मकसद एक है, श्री कृष्ण को खुश करना, उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाना। और राधा कृष्ण, जब कृष्ण की बात हो तो राधा कैसे नहीं होंगी, राधा के बारे में भी हम जरूर बात करेंगे क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा, रासलीला हो या फिर बचपन की कहानियां, सभी में कृष्ण के साथ राधा मौजूद रही हैं। कृष्ण जब भी अपनी गायों को चराने जाते थे तो झरने किनारे बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो बांसुरी बजाएंगे तो राधा खिंची आएंगी। राधा ही नहीं, जितनी भी गोपियां होती थी, ग्वाले होते थे, पशु पक्षी होते थे, गाय होती थी, सभी उनके पास आके उनकी मुरली की मधुर धुन सुन के बैठ जाते थे और कहीं उनकी श्री कृष्ण की मुरली की धुन में खो जाते थे। और श्री कृष्ण मुरली बजा के सबको मोहित कर लेते थे। माखन चोर कहा जाता है क्योंकि बचपन में उन्होंने बहुत माखन चोरी किया है। माखन श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, यूं तो 56 भोग लगाए जाते हैं लेकिन माखन का महत्व कुछ अलग ही है। अगर बात करी जाए लखनऊ की तो लखनऊ में आज से मक्खन मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय है और मलाई मक्खन का आज से ही भोग लगता है, इसलिए बाजारों में मक्खन भी आ जाता है और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का जो
जन्म दिवस उसको खास बनाने की पूरी तैयारी है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता कि मक्खन कैसे ना हो श्री कृष्ण के भोग में। जब बच्चे का जन्मदिन होता है तो केक से लेके कई तरह के प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, और जब श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है तो 56 ही नहीं 256 भोग भी लगाए जाते हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह से भोग की व्यवस्था है, और सभी इस इंतजार में है कि कब 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हो और सब श्री कृष्ण के दर्शन करें। यूं तो कई झांकियां सजी हुई हैं, लेकिन जो जन्म का समय है, जन्म जब कराया जाएगा तो जो मनमोहक दृश्य होगा, जो शंखनाद होगा, उसका जो माहौल होगा वो काफी अद्भुत होगा। मंदिरों में घंटे तो बज रहे हैं, राधे कृष्ण के जाप तो देखने को मिल रहे हैं, रास लीलाएं कृष्ण लीलाएं देखने को तो मिल रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण के जन्म का सभी को इंतजार है। मथुरा वृंदावन हो या फिर जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी श्री कृष्ण के जन्म की धूम है। राधे 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 कृष्णा के गुनगाते हुए सभी भक्त कृष्ण की लीलाओं में डूबे हैं, श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, माखन चोर को याद कर रहे हैं, उनके जन्मोत्सव को भव्य बना रहे हैं। मंदिरों में नाचते गाते भक्त नजर आ रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा के भजन गाते नजर आ रहे हैं, राधे 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 कृष्णा कहते हुए भक्त नजर आ रहे हैं, मंदिरों में लंबी कतारों में लगे हुए फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आज सब श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है, और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, खास कैसे ना हो, कृष्ण सभी के हैं और कृष्ण की भक्ति, कृष्ण देते हैं शक्ति, इसी के साथ सभी उनकी भक्ति में डूबे हुए हैं। कृष्ण की लीलाएं चलती रहेंगे, हम यूं ही दर्शन आपको कराते रहेंगे, अलग अलग जिलों के संवाददाताओं से जुड़ेंगे और आपको दर्शन कराएंगे अलग अलग जिलों के भव्य मंदिरों के लिए। लेकिन यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट कर आएंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।